இருக்கா? ம். இது என்ன? இஞ்சி. சிஞ்சர். சிஞ்சர். ம். என்ன பேர்? இது. இந்தா. உனி. இது நார்மல். இதல வீட்ல ரெடி பண்ணிரலாம். இது நார்மல். இது நார்மல். நார்மல். இது கல்கண். ஹ? கல்கண். சப்பலட்டா? ம், சப்பல. सुम्मा ये तार का बना हुआ है। तार का बना हुआ है। हाँ। उधर खीर बनाने का है, ये खाने से खाने के लिए है, और ये दूध में पीने का है। कैसे रेट? क्या? एप्री? ये दे। आधा? ये दे। 300 है। हाँ? ये 200 है। 200? 200। हाँ। 300 है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अन्ना दा? என்ன வேற வேற இது வந்து இந்த வருஷத்துக்கு உள்ளது இது ஆ சரி இது போன வருஷம் போன வருஷம் ஓ एक साल पुराना है अच्छा वो ये अभी समझ में आया சரி காஸ் थोड़ा कम करल रेट सही आप करोगे அப்புறம் வேணுமா அத வேண்டாமா வித்தியாசமா சொல்லுங்க ஏதா இது எப்படி 100 300 300 200 200 ये 300 ये 300 काफी पाउडर ही ले ये देखिए इसी उसी का रस का बना हुआ है ये पाम जूस का खरीद के ले जाएंगे पाम ट्री का बना हुआ है ये कल किलो क्या हुआ करें ठीक लग रहा है पूरा जितना ऑक्सीजन लेना है ले लो फुल कर लो अपने बॉडी के अंदर ये है 200 रुपीज के जी ये 300 रुपीज के जी ये 200 है 200 हाँ 200 इस जगह से हम लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा कन्याकुमारी के लिए लेफ्ट कन्याकुमारी तो अभी भी कन्याकुमारी 4 hours बता रहा है हम लोगों को 250 किलोमीटर बाकी है सोच रहे हैं कि खाना बनाएं कि होटल में खा ले क्यों मिल जाएगा अगर नहीं पहुंचे तो फिर सनसेट नहीं मिलेगा तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सनसेट देखने के लिए 6 बजे तक पहुंच जाएं अगर होटल में भी जाते हैं तो आधा घंटा से ऊपर ही लगेगा और बनाएंगे भी तो वही हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स 30 to 40 मिनट्स लगेगा अभी देखिए आगे चलते हैं देखते हैं अगर कोई अच्छा जगह मिलेगा तो बनाएंगे नहीं तो होटल में ही खा लेंगे इधर कोई घूमने आए वो अपने साथ खाना लेके आए क्योंकि यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है सिर्फ नमक ही नमक दिखाई दे रहा है रोड के दोनों साइड नमक नमक भरा हुआ है पूरा।
हमारी 98 व्यूज है। मिलता है घूमने से तो जगना चाहिए है ना। कन्याकुमारी 5 किलोमीटर। बोलो भारत माता की जय। भैया संग ले लो बजने वाला है स्टॉप पीछे पूरा बकल कन्याकुमारी से। ये देखते हम लोग सेंसेंट पॉइंट पर पहुँच गए हुए हैं। ये यहाँ पे पार्किंग का पूरा अरेंजमेंट है, इसके बहुत सारा पार्किंग और लोग जैसे पूरा भीड़ है बहुत ज़्यादा। ये देख कितना भीड़ है जी। ये देखिए क्लाउड के कारण सन तो दिख नहीं रहा, सनसेट दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ना सॉफ्ट कॉपी दोगे? दे दो। हाँ
मेरी दोस्त। हम लोग होटल ओशियन हेरिटेज बुक किए हैं, तो ये हमारा रूम है, अभी जस्ट हम लोग चेक इन किए हैं। ये देखिए इसका बाथरूम, बहुत बड़ा बाथरूम है। ये है मेरा और नानी का रूम, यहाँ दो बेडरूम्स लिए हैं, यहाँ एक क्लोज़ेट और फिर यहाँ मिरर और यहाँ टीवी, फिर उसके बाद बाथरूम लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छा एंड क्लीन एंड हाइजीनिक है। अरे पार्किंग कहाँ करना है? बैक साइड। बैक साइड है। यस। यू आर कमिंग है? समबडी इज कमिंग विद मी। तो मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हम लोग डिनर करने के लिए मारुति रेस्टोरेंट में आए हैं और ये देखिए एक यूनिक सा हम लोग को खाने पे केला का पत्ता मिला है। लोगों ने अभी खाना ऑर्डर कर दिया है, एक पनीर टिक्का मसाला, बटर रोटी, पराठा, फ्राइड राइस एंड दाल फ्राई एंड नूडल्स एंड तरुण के लिए एक पनीर नूडल्स। ये देखिए आज थोड़ा यूनिक वे में हमारा खाना आ गया है। ये देखिए पनीर टिक्का मसाला और नीचे पराठा। ये कन्याकुमारी मार्केट है, होटल है, चारों तरफ सिर्फ होटल ही होटल दिख रहा है। हम मार्केट ढूंढ रहे हैं, देखते हैं आगे जाके कहीं कुछ मिले। हाँ कन्या, तुम क्या देख रहे हो? वैसे एक बैग की जरूरत पड़ेगी। शॉपिंग कंप्लीटेड। तो अभी हम लोग डिनर करने के बाद और थोड़ा सा शॉपिंग कर लिए जाके, नीचे बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शन है, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बीच पे गए हैं, बीच पे थोड़ा अंधेरा था तो हम लोग वहाँ फुटेज नहीं ले पाए हैं, तो कल हम लोग जाएंगे बीच पे सनराइज देखने, तो फिर वहाँ का हम लोग फुटेज आपको दिखाएंगे वहाँ का सनराइज पॉइंट एंड ऑल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। अच्छा आज का दिन ठीक ठाक निकला? हाँ मजा आया। हाँ आज हम लोगों ने रामेश्वरम से निकलने के बाद रामर पदम और उसके बाद धनुषकोडी फिर हम आज कन्याकुमारी पहुँच गए और कन्याकुमारी में हम लोगों ने सनसेट एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे। एग्जैक्ट टाइम मीन्स 6:20 का सनसेट था, हम लोग 6:00 जो है कन्याकुमारी पहुँच गए थे और हम लोगों ने होटल में चेकिंग नहीं किया था, डायरेक्ट हम लोग सनसेट पॉइंट पे चले गए थे। वहाँ पे थोड़ा देर रुके 1 hour 7 o'clock, फिर वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने चेक इन किया। अब जैसे आपको रूम आपको दिखाई दिया हूँ, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा है, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए इसमें और क्या क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं, क्यों अगर वो बताएंगे तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। इसको अभी हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
मालूम है डिफरेंस क्या है? रामचंद्र, हाँ रामचंद्र। ये देखिए हम लोग